गाइस, आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स का आज जो है फंक्शन होएगी एंड आप लोग पूछोगे कि कितने बजे स्टार्ट होएगी या फिर ख़त्म होएगी, तो आप लोगों को बता दूँ 6 PM स्टार्ट होएगी एंड जो 10 PM है वो ख़त्म हो जाएगी फंक्शन। सारे एक्टर एक्ट्रेस को अवार्ड दे दिया जाएगा, सारे शोज़ जोड़ीज को अवार्ड दे दिया जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि अवार्ड किसको क्या अवार्ड मिला, हम लोगों को कैसे पता चले, तो कुछ कुछ एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं या फिर कुछ जोड़ीज क्या करते हैं, अपने उन लोगों को जो अवार्ड मिलता है वो लोग फोटो लेके वो लोग जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी हो सो वहाँ पर वो लोग जो अपलोड कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए। तो आप लोगों को बता दो, जब भी मुझे जो है ये सारे मतलब अपडेट मिल जाएगी कि राहुल सुधीर हलेशा को कुछ अपडेट सॉरी कुछ अवार्ड मिल गया है, कुछ अवार्ड जोड़ी वाले सेक्शन पर रियांश को राहिल को अवार्ड दिया गया है या फिर एक्टर एक्ट्रेस वाले सेक्शन पर राहिल को अवार्ड मिला है, तो मैं आप लोगों के साथ तुरंत ही शेयर करूँगी क्योंकि ये न्यूज़ जो है बड़ी बिगेस्ट न्यूज़ है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है भाई, क्योंकि फैंस जो है अगर उन लोगों के साथ शेयर नहीं की जाए तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो कुछ फैंस जो है सोच रहे हैं कि जो हम लोग अगर हमारे रियांश को इश्क में मजाओं को अगर नहीं मिला अवार्ड इस बार तो हम लोग ट्रोल करने लग जाएंगे। तो भाई अगली बार आप लोगों ने ट्रोल किया था ना, किया था आदित्य खुराना को ट्रोल किया था, बट इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग जो है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स में आप लोग वोट किए थे उस टाइम, बट कुछ फैंस जो है ट्रोल भी किए थे आदित्य खुराना को, बट उन्होंने बस जो है वोट्स करवाए हैं, वोट्स का पूरा मेंशन मेंटेन किया है, पूरा जो होता है सारी चीज़ें उन्होंने मेंटेन किए और सारी चीज़ें उन्होंने संभाले, ना कि उन्होंने वोट्स का रिजल्ट निकाला है ये क्या है वो क्या है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया था जिस वजह से हम लोग उनको ट्रोल करें, तो ऐसा कुछ भी वजह उस बार नहीं था। बट इस बार जो है उस बार चीटिंग हुई थी, बट इस बार चीटिंग नहीं होएगी क्योंकि सारे के सारे वोट्स जो है मतलब काउंट किए गए एंड कुछ लोगों का प्रॉब्लम तो हो चुका है, मेरा भी हो गया था, इतना वोट किया कि मेरा आईडी किसी के भी पोस्ट पर मैं कमेंट नहीं कर पाई थी, बट मेरा वो प्रॉब्लम 4 डेज में ठीक हो गया। तो कोई नहीं, ऐसा हो सकता है, बट आप लोग हमेशा जो है वोट करते रहे, आप लोगों ने इतना जी जान लगाकर यानी कि आप लोगों ने इतना मेहनत करके आप लोगों ने वोट किया है भाई, मतलब इतना वोट तो कोई फैंस करता भी नहीं होगा। पता नहीं फतेह जो जोड़ी के फैंस जो है वो लोगों ने भी अच्छा खासा वोट नहीं किया है, बट इतना वोट किया है कि फतेह जो जोड़ी सेकेंड पे आ गई। अब प्रियंका चहार और चहार चौधरी और जो अंकित गुप्ता है यानी कि जो फतेह जो जोड़ी है एंड प्रियंकित जोड़ी है, मतलब कि राहेल और यान जैसा है वैसे ही प्रियंकित और फतेह जो बन चुकी है, तो बता दूँ दोनों भी शायद गए होंगे क्योंकि दोनों को भी वोट्स गए हैं, तो वो लोग भी गए होंगे। सो यही सारे अपडेट्स थे मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दिए। सो अगले वीडियो पे मिलेंगे किसी ना किसी न्यू अपडेट के साथ।